जिस देश में आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं है, जिस देश में पत्थर में भगवान पूजे जाते हैं, बच्चे बच्चे में राम देखे जाते हैं, जहां ईश्वर की आस्था ही परमात्मा है, वहीं परम सुख की प्राप्ति है, उस भारतवर्ष के लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को, उनके भरोसे को कुचला गया स्वार्थ के लिए। किसी की आस्था के साथ ऐसा आघात आज तक नहीं हुआ। जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, खुद यकीन नहीं हो पा रहा कि तिरुपति के प्रसाद में जानवर की चर्बी मिली होगी। प्रसादम में बनने वाले लड्डू को बनाने में मछली के तेल और चर्बी का इस्तेमाल किया गया होगा। ये ऐसी बात है कि जिसे कोई भी हिंदू मजाक में कह भी नहीं सकता, लेकिन जब उसे पता चले कि जिस लड्डू को प्रसाद के रूप में वो खा रहा है उसमें जानवर की चर्बी मिली है, तो यकीन मानिए उसे कितना दुख होगा, कितना गुस्सा आएगा। जब चंद्रबाबू नायडू ने मंदिर के प्रसाद में मिलावट का आरोप लगाया तो लोगों ने इसे महज सियासी स्टंट माना, लेकिन जैसे ही जांच के बाद यह पता लगा कि उनकी बात तो सही है, तिरुपति के लड्डू में मिलावट की गई, वो भी मछली के तेल और जानवर की चर्बी की, यकीन मानिए करोड़ों लोगों की आस्था खंडित हुई होगी। लोग सन्न रह गए हैं, लोगों के मानो होश उड़ गए हैं, एक दूसरे से लोग बोलने लगे हैं। अब यही देखना बाकी रह गया था, सुनना बाकी रह गया था, कलयुग आ चुका है। हमारे देश में 109 करोड़ हिंदू है, यानी देश की कुल आबादी का करीब 80%, अब ये मानकर चलिए कि उसमें से आधी आबादी होगी जिसने तिरुपति के दर्शन किए होंगे या फिर वहां का प्रसाद खाया होगा। अब आप समझ सकते हैं कि मंदिर के प्रसाद के नाम पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ कितना घिनौना मजाक किया गया होगा। तिरुपति मंदिर में रोज करीब 50,000 से 1,00,000 श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। मंदिर में रोजाना करीब 8,00,000 लड्डू बनते हैं। अब आप इस मंदिर की आस्था और लोगों का यहां से कितना लगाव, इसके बारे में सोचिए। जिसने भी ये काम किया है वो महापाप है। जानवरों की चर्बी से बना प्रसाद जो लोगों को दिया जाता है उसे भगवान को भी चढ़ाया जाता है। अब सुनकर हैरान होने वाली बात तो है ये है कि अगर इस खुलासे के बाद लोगों में गुस्सा है तो उनका गुस्सा भी जायज है। खासकर साउथ इंडिया में तिरुपति भगवान की कितनी आस्था है, आज वही भगवान जब देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि स्वार्थ में इंसान कितना नीचे गिर गया है। लोगों की तिरुपति मंदिर की इतनी आस्था है कि रोजाना की भीड़ तो यहां काबू में नहीं हो पाती, और अगर हम ब्रह्मोत्सव जैसे त्यौहार पर यहां आने वाले की संख्या की बात करूं तो 4 से 5 लाख लोग यहां पर हो जाते हैं। और इस खबर को बताते वक्त खुद मुझे बहुत अजीब लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो जरा सोचिए तिरुपति भगवान के लाखों करोड़ों भक्तों के ऊपर क्या बीत रही होगी। लड्डू में चर्बी, मछली के तेल की मिलावट के खुलासे के बाद आंध्रा ही नहीं देश की सियासत भी अब उबाल खा चुकी है। जगन मोहन, चंद्रबाबू नायडू आमने सामने हैं। जगन इस आरोप को सियासी बता रहे हैं लेकिन जांच और खुलासे पर जवाब नहीं दे रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सियासत पर जिन लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा है। ठीक है, मंदिरों में नियम और मैनेजमेंट को लेकर विवाद आते रहे हैं, लेकिन मंदिर के प्रसाद में इतना बड़ा गड़बड़ झाला आज तक नहीं दिखा था। केंद्र सरकार भी एक्शन में है, आंध्रा के मुख्यमंत्री से बात की जा रही है, सारी रिपोर्ट मांगी गई है। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी, कुछ ठेके रद्द होंगे, प्रसाद में मिलावट के जिम्मेदार ट्रस्ट पर एक्शन भी होगा, प्रसाद में सुधार भी हो गया, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था का क्या, क्या करेंगे जिनकी भावना आहत हुई है। इस देश में लाखों लोग आस्था और विश्वास के नाम पर प्याज और लहसुन तक नहीं खाते, इसे तामसी प्रवृत्ति का आहार मानते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप प्रसाद में जानवर की चर्बी खिला चुके हैं तो लोगों की आस्था का क्या, उनका जो धर्म भ्रष्ट हुआ उसका क्या। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, अनजाने में की गई गलती को भगवान भी माफ कर देते हैं, लेकिन जानबूझकर किए गए इस महापाप की माफी आखिर कौन देगा, शायद कोई नहीं।